बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि नवाज शरीफ के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, सब बच्चों में तकसीम कर चुके हैं। एक तरफ इंसानी हमदर्दी और दूसरी तरफ पैसों की बात अजीब लगती है। हमारा मौकफ इस हवाले से वाजे है। काबीना के कुछ लोगों ने यह सिलसिला शुरू किया है। शरीफ फैमिली भी कह रही है गारंटी क्यों दें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने एक प्रोग्राम में किया और मुख्तलिफ सवालात के जवाब भी दिए। चौधरी परवेज इलाही का मौलाना फजलुर रहमान के एहतजाज और धरने पर बात करते हुए कहना था कि मौलाना का धरना खत्म हो गया है, कुछ बातें अमानत हैं, इसमें खयानत नहीं हो सकती। वजीर आजम ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और धरने वालों को नहीं रोका। ये वाहिद धरना था जिसमें कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। JUI कारकुन ही धरने की जगह की सफाई करके चले गए। उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान का मौकफ था कि वजीर आजम इस्तीफा दें। हमने उनसे कहा था कि ये बात ना करें, हमारे मौलाना के साथ बड़े देरीना ताल्लुकात हैं। धरने के बाद अब वही अपोजिशन लीडर हैं। एक सवाल का जवाब देते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मौलाना फजल रहमान के साथ आज की मुलाकात खुफिया मीटिंग का एक हिस्सा थी। मीडिया को पता नहीं कैसे पता चल जाता है। उन्होंने इंकशाफ किया कि मौलाना शहरों को बंद नहीं कर रहे बल्कि बड़े शहरों पर थोड़ी देर के लिए एहतजाज करेंगे। एहतजाज रिकॉर्ड कराने के बाद सड़कें खोल दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि शुजात साहब ने कहा था कि मुल्क में हालात खराब नहीं होने चाहिए। हमने कोशिश की तो माहौल बेहतर हुआ। हुकूमत को झुकना भी पड़ता है और लचक भी पैदा करनी पड़ती है। अगर माहौल बेहतर नहीं होगा तो फिर कौन सरमायाकारी करेगा। शुजात साहब ने कहा था कि ऐसे हालात ना हो जाएं कि कोई वजीर आजम बनने को तैयार ना हो, मुल्क में बेहतर माहौल बनाना होगा। हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मामला अफहाम तफहीम से हल करेंगे।